Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता राणा दग्गुबाती और उनकी प्रेमिका मिहिका बजाज, इन्होंने शनिवार को हैदराबाद में राम नायडू स्टूडियो में शादी कर ली। इस वेडिंग सेरेमनी में सिर्फ 30 लोग शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों के साथ इन दोनों की शादी को संपन्न किया गया। राणा दग्गुबाती दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता है और फिल्म निर्माता सुरेश बाबू दग्गुबाती के बड़े बेटे हैं। इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि SS राजामौली के निर्देशन में बनी हुई फिल्म बाहुबली, इसमें भल्लाल देव का किरदार निभाने पर मिली है। शादी के बाद रामचरण तेजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोनों की तस्वीर शेयर की। फोटो में राणा और मिहिका के साथ रामचरण तेजा और उनकी पत्नी उपासना भी नजर आ रही है। राणा दग्गुबाती और मिहिका की शादी मारवाड़ी और तेलुगु परंपरा से हुई। राणा की पत्नी मिहिका बजाज एक इवेंट प्लानर है जो मुंबई में ड्रू डॉप डिजाइन स्टूडियो की मालकिन है। इसी के साथ साथ वो शादी और इवेंट मैनेजमेंट का भी काम संभालती है।